लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी विरोध के सुर तेज हो गए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो मौजूदा मुख्यमंत्री को पद से हटाने की चर्चा जोरों पर है, जिसके बाद अब कमलनाथ और गहलोत की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। वो हार भी अपने आप में काफी बड़ी थी क्योंकि तब पार्टी ने विपक्ष तक का दर्जा खो दिया था। वहीं अब 5 साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस बार पार्टी एनडीए की आंधी में ऐसी उड़ी कि महज 52 सीटें ही हासिल कर पाई, जबकि अकेले बीजेपी 300 के पार पहुँच गयी। कांग्रेस की हार तब भी हुई थी और एक बार अब भी हुई है, मगर इस हार ने पार्टी को अंदर तक तोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा हड़कंप मचा है कि एक तरफ राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़ गए हैं, तो वहीं खबर ये भी है कि पार्टी आलाकमान बड़े स्तर पर परिवर्तन की तैयारी में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो मौजूदा मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की चर्चा जोरों पर है। बात करें राजस्थान की तो यहां सीएम गहलोत के खिलाफ पार्टी के भीतर ही आवाजें उठने लगी हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि सचिन पायलट को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सुशील असोपा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पायलट को सत्ता की कमान सौंपी जानी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अशोक गहलोत और कमलनाथ से काफी नाराज चल रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये नाराजगी देखने को मिली थी। दरअसल इन नेताओं ने अपने बेटों को टिकट दिलवाने के लिए राहुल गांधी पर दबाव बनाया था, जबकि राहुल टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर राहुल ने दोनों नेताओं की बात मानी और बेटों को टिकट दे दिया। मगर गहलोत अपने बेटे की कुर्सी तक नहीं बचा पाए, जबकि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी काफी मुश्किल से ही जीत के दरवाजे को पार कर पाए। इसे लेकर राहुल ने दोनों पर जमकर भड़ास निकाली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल दोनों पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब के बीच अब राज्य के नेता भी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। जहां रेगिस्तानी प्रदेश में सचिन पायलट को नेतृत्व देने की मांग उठ रही है, तो वहीं एमपी में भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी, खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और रेवेन्यू मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने ये मांग की है। तो इन मांगों के बीच अब राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।